नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं खुशबूदार पौधों का बहुत बड़ा शौकीन हूं और पहले भी मैं लाया था और मेरे वीडियो से बहुत यूट्यूबर कॉपी करके भी बहुत वीडियो बनाए। लेकिन दोस्तों, हिस्ट्री में आज पहली बार होगा जो 31 फ्लावर प्लांट मैं दिखाऊँगा, खुशबूदार पौधे दोस्तों। और किसी के पास होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास इनमें से 26 है और कुछ मैं बाहर से दिखाऊँगा। तो वीडियो दोस्तों बहुत धमाकेदार होने वाला है, लेकिन थोड़ा पेशेंस से आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप भी खुशबूदार पौधों का शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं दोस्तों। एक नंबर पे है जूही, जस्मिन बोलते हैं इसको। और ये देखिए देसी वेराइटी है, जस्मिन का बहुत वेराइटी आ जाता है, कुंडा जस्मिन और बहुत सारा छोटा बड़ा वेराइटी आता है। लेकिन ये वाला दोस्तों सबसे पुराना वैरायटी और इंडिया में जस्मिन बोलने से इसको ही जाना जाता है, इसे जस्मिनियम एरिकुलेटम बोलते हैं। और ये दोस्तों छोटा छोटा फूल, लेकिन बहुत दूर तक इसका खुशबू जाता है और बहुत बढ़िया पौधा होता है। सेकंड है हमारा मधुमालती, मधुमालती को रंगून क्रीपर भी बोलते हैं। ये डबल वैरायटी है और इसका सिंगल भी आता है। सिंगल तो आपको गाँव हर शहर में देखने को मिल जाता है, लेकिन ये डबल वैरायटी बहुत खुशबूदार होता है और फूल भी इसका दोस्तों लॉन्ग लास्टिंग वाला होता है, कलर भी चेंज करता रहता है और दिन में भी और शाम के टाइम में भी इसमें से भीनी भीनी खुशबू आता है। और खुशबू ऐसा नहीं दोस्तों, दूर तक भी जाता है और बहुत ही प्यारा फूल फूलूंगा गर्मियों में, खासकर ये फूल देता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी, ये मोगरा का ही वेराइटी है, बहुत बड़ा फूल देता है और मेरा तो फेवरेट प्लांट में से एक है दोस्तों। मोगरा का खुशबू वैसे भी आप लोग जानते होंगे और ये साइज में भी बड़ा फूल देता है, इसीलिए मेरा पसंदीदा प्लांट है। और बट मोगरा भी बोलते हैं इसको। ये भी दोस्तों थ्रू आउट द समर बहुत भीनी भीनी खुशबू देता है और खूबसूरती के साथ साथ इसका महक के लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा देखिए ब्रह्म कमल, इसे एपिफाइलम भी बोलते हैं और रात में बहुत बढ़िया खुशबू देता है, लेकिन फूल इसका एक दिन ही लास्टिंग करता है दोस्तों। और मेनली ये खिलता है आपका जून जुलाई इस महीने में, गर्मी के लास्ट और आपका बारिश के फास्ट में। और फूल इसका बहुत बढ़िया वाइट कलर में रहता है और दोस्तों बहुत रेयर पौधा है, अभी ये पॉपुलर हो गया है, पहले इतना मिलता नहीं था और इसे शुभ पौधा भी माना गया है। लेकिन इसका खुशबू मेन है दोस्तों, खुशबू बहुत तेज खुशबू आता है इसमें से। नेक्स्ट है हमारा हर सिंगर, इसे पारिजात भी बोलते हैं दोस्तों, रात में बहुत बढ़िया खुशबू देता है। और इसका ब्लूमिंग सीजन रहता है मेनली आपका अगस्त सितंबर में, बारिश के बाद दोस्तों इसमें बर्ड्स और फूल आते हैं। और देखिए पीछे साइड इसका ऑरेंज कलर में रहता है और इसे दोस्तों पारिजात के नाम से बहुत सारे लोग जानते हैं और बंगाली में बोलते हैं इसको सिउली, उड़िया में गंगा सिउली, बहुत सारा नाम है और मेडिसिनल वैल्यू भी इसका बहुत है। और इसका खुशबू भी दोस्तों रात में बहुत तेज रहता है और सुबह इसका फूल गिर जाता है। तो ये भी एक हैवी ब्लूमर है और सुगंधित पौधों में बेस्ट माना गया है इसको। नेक्स्ट है हमारा देखिए चमेली, चमेली भी बहुत बढ़िया और बहुत पुराना पौधा है इंडिया में, खासकर इसे तेल बनाते हैं दोस्तों, चमेली का तेल बोलते हैं। और इसका फूल भी देखिए जस्मिन से बड़ा आता है और उतना तो फ्लावरिंग नहीं करता है, लेकिन कम भी खिले तो एरिया को फूलों से महका देता है। और ये भी दोस्तों सुगंधित फूलों में से एक माना गया है चमेली को, और इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत सारा है। और ये भी दोस्तों समर टू रेनी सीजन फ्लावरिंग करता है। और पता देखिए इसका मैं दिखा रहा हूँ, ये बहुत रेयर है। कॉमन जस्मिन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन चमेली थोड़ा मिलता नहीं है आसानी से। आइए नेक्स्ट प्लांट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मधुकामिनी, ये मिनी वेराइटी है दोस्तों, और मधुकामिनी को कौन भूल सकता है, इसका खुशबू के लिए बहुत पॉपुलर है ये। और ये मिनी से लार्ज वेराइटी और सेंट देता है, ये मिनी वेराइटी थोड़ा लाइट सेंटेड होता है। और ये दोस्तों गमले में लगाने वाला कामिनी है, अगर आपको किसी भी वेराइटी मिलता है कामिनी का तो ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये भी दोस्तों आपका स्प्रिंग से लेके बारिश के महीने तक जोरदार फ्लावरिंग करता है और गार्डन को खुशबू से भरा हुआ रखता है। इसका बड़ा वेराइटी आगे मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट है देखिए आपका प्लूमेरिया वाइट, इसे सिंगापुरी प्लूमेरिया भी बोलते हैं, चंपा, फ्रांगीपानी, बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। और इसका खुशबू भी दोस्तों बहुत बढ़िया रहता है
और सभी चंपा में खुशबू अलग अलग रहता है। किसी में फल का खुशबू आता है, किसी में आपका जस्मिन जैसा सेंट आता है। तो दोस्तों प्लूमेरिया का कलेक्शन मैं कर रहा हूँ अभी, और बहुत सारा है, आगे दिखाऊंगा मैं। ये देखिए, ये है मधु कामिनी का लार्ज वेराइटी। ये दोस्तों ज़्यादा खुशबूदार रहता है मिनी कामिनी से, और इसका पॉट का साइज भी बड़ा चाहिए। और ये भी दोस्तों बहुत पुराना होने पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, और फूल लास्टिंग भी करता है आपका 3-4 दिन, और जब भी खिलेगा एरिया को खुशबू से भर देता है दोस्तों, आपके घर को महका देता है। तो कामिनी का 3-4 वैरायटी है मेरे पास, लेकिन आज इस वीडियो में मैं 2 ही दिखाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों गार्डेनिया, इसे गंधराज भी बोलते हैं, और उड़ीसा में सुगंधराज बोलते हैं। इसका खुशबू के लिए जाना जाता है दोस्तों, खुशबू का राजा होता है, इसीलिए इसे सुगंधराज बोलते हैं। और फूल भी देखिए काफ़ी बड़ा साइज में आता है, और ये थाई वैरायटी है। ये दोस्तों व्हाइट गुलाब जैसा आपको दिखेगा, और पेटल भी देखिए बहुत सारा रहता है, लेयर भी बहुत सारा रहता है इसमें, और फूल भी लास्टिंग करता है 4-5 दिन आपका। तो ये दोस्तों गार्डेनिया का सबसे बड़ा वैरायटी बोलूँगा, और इसका और भी वैरायटी है मेरे पास, लेकिन सबसे बढ़िया और बड़ा फूल यही देता है। इसका येलो और सिंगल पेटल बाकी वैरायटी भी है मेरे पास, मैं वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट दोस्तों है हमारा, इसे जापानीज हनीसकल बोलते हैं। देखिए बहुत रेयर पौधा है, और ये भी लाइट सेंटेड रहता है, उतना डीप सेंट तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इसका दोस्तों फूल बहुत बढ़िया देखिए पैटर्न में रहता है, और ज़्यादा खिलने पर बहुत खुशबू देता है। इसका पौधा देखिए अभी बहुत छोटा है, और छोटे से पौधे में ही फूल आ गया है। आगे इसका पौधा बड़ा होने पर भाइन जैसा रहेगा, और खुशबू भी बहुत देगा दोस्तों। नेक्स्ट प्लांट है हमारा दिन का राजा, रात की रानी जैसा ये दिन का राजा भी है दोस्तों, और ये दिन में खिलता है, दिन में खिलने वाला जस्मिन बोल सकते हैं आप इसको। इसका पत्ता देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा मिलता नहीं है, ये डे प्लूमर है, और दिन में खिलता है, रात को खुशबू नहीं देता है दोस्तों, और रात रानी जो होता है रात में खुशबू देता है। दिन का राजा का फूल का कलर होता है आपका वाइट, और रात का रानी जो होता है वो थोड़ा पीला कलर में होता है, और उतना प्योर वाइट नहीं होता है, लेकिन ये देखिए आपको प्योर वाइट दिखेगा। और देखिए बहुत सारा फूल हर ब्रांच में लगा हुआ है, और ये भी दोस्तों हार्डी प्लांट है, और पुराना प्लांट ज़्यादा फूल देता है, आगे और अच्छा करेगा ये। नेक्स्ट है हमारा रजनीगंधा। रजनीगंधा बहुत पुराना पौधा है, और ख़ासकर इंडिया में बहुत फेमस है, शादियों में बारातियों में इसे ही इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, परफ्यूम बनाने में भी इसका यूज होता है। और ये देखिए सिंगल वैरायटी है, इसका डबल भी है मेरे पास, लेकिन डबल नहीं खिला है, और ये सिंगल ज़्यादा खुशबूदार होता है डबल के मुकाबले। और ये दोस्तों शाम से लेकर रात तक बहुत खुशबू आता है, और इसे ट्यूबरोज भी बोलते हैं, रजनीगंधा बहुत सारे नाम से बुलाते हैं, और ये खासकर साउथ और ईस्ट इंडिया में बहुत पॉपुलर है, और सुगंधित फूलों में से एक ही से माना जाता है दोस्तों रजनीगंधा। नेक्स्ट है हमारा चाइना डॉल, इसे राडरमा चेरा बोलते हैं। बहुत रेयर प्लांट है दोस्तों, उतना मिलेगा नहीं आपको, इसे बहुत सारा लोग कामिनी का पौधा भी बोलते हैं, और ज़्यादातर लोग इसे टेकोमा भी बोलते हैं, लेकिन ये अलग वैरायटी है दोस्तों। और ये हार्डी प्लांट है देखिए, और इसमें से खुशबू भी भिनी भिनी आता है, और क्लस्टर में फ्लावरिंग करता है दोस्तों, सेंटर रहता है इसका येलो। और ये अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है, फिर भी बहुत सारे नर्सरी में ये आपको देखने को मिल जाएगा, तो परमानेंट प्लांट है दोस्तों, इसे आप लाइए, बहुत बढ़िया सेंट रहता है, मसाला जैसा खुशबू रहता है इसमें। और ये देखिए ये है स्टार मोगरा, ये दोस्तों मोगरा का मैं और एक वैरायटी आपको दिखाया था ग्रैंड ड्यूक, ये स्टार मोगरा है, ये ज़्यादा खिलता है उसके मुकाबले, और इसका खुशबू भी बहुत तेज है दोस्तों। मोगरा का खुशबू तो आप लोग जानते हैं, ये मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता, गांव से लेके शहर तक ये मोगरा पॉपुलर है, और इसे मल्लिका भी बोलते हैं। ये देखिए दोस्तों ये है गोल्डन गार्डेनिया सिंगल पेटल में, इसका देखिए पता मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका देखिए कितना बड़ा बड़ा फूल आता है, इसका डंडियाँ बहुत बड़ी होती है। और मेरा पर्सनल अगर आप चॉइस पूछेंगे तो मैं इसे बताऊँगा, इसका खुशबू मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए इसका फूल मैं दिखा रहा हूँ, इसमें 6-7 पेटल रहता है, किसी किसी में 8 रहता है दोस्तों, और समर से लेके आपका रेनी सीजन तक बहुत बढ़िया चलता है, और फूल भी बहुत देता है,
लेकिन इसका केयर थोड़ा करना पड़ता है दोस्तों। गार्डेनिया का किसी भी वैरायटी थोड़ा केयर करने में मुश्किल है, लेकिन ये प्लांट अगर आप नीचे लगाते हैं, देखिए कितना प्यारा प्यारा फूल दिया है और फूल लास्टिंग भी करता है आपका 4-5 दिन, और नीचे लगाने पर बहुत इजी टू केयर हो जाता है दोस्तों। अगर जगह है तो आप नीचे लगाइए। आइए नेक्स्ट प्लांट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रातरानी। रातरानी दोस्तों देखिए 3 का राजा में दिखाया था, वो वाइट कलर में था, ये थोड़ा पीला कलर में रहता है, और इसका डीप येलो भी है मेरे पास, वो भी वीडियो के आगे में मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए ये रात में बहुत दूर तक इसका खुशबू जाता है दोस्तों, और कोई कोई लोग बोलते हैं इसे लगाने पर सांप भी आ जाते हैं घर में, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप इसे लगाइए। और सेंटर्ड प्लांट से सांप अट्रैक्ट होके आता है बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो एक अंधविश्वास बोल सकते हैं आप। और ये दोस्तों बहुत फेवरेट है मेरा, और ये भी आपका फूल खिलने पर बहुत दूर तक इसका खुशबू जाता है, करीब आपका 10-15 फीट तक भी खुशबू जाता है, और रात में रानी होता है दोस्तों, इसीलिए इसे रात की रानी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रंजाई। रंजाई को क्लेमाटिस भी बोलते हैं, डिडलबोटिक बहुत सारा नाम से इसे बुलाते हैं, और इसका देखिए दोस्तों फूल जब आता है पौधा भर जाता है फूलों से, और ये भाइन होता है, इसे सपोर्ट चाहिए। अगर आप इसे अच्छे से देखभाल करते हैं तो बहुत सारा फूल देता है, हर 3-4 महीने में ये खिल जाता है दोस्तों, हर सीजन में। ये नहीं बोलूँगा कि मैं ये समर में ही खिलता है या फिर रेनी सीजन में, विंटर में, रेनी सीजन में, सब सीजन में खिलेगा दोस्तों, इसे रेगुलर फीडिंग और सपोर्ट चाहिए। तो रंजाई देखिए बहुत सारा खिला है और भीनी भीनी खुशबू देता है, बहुत बढ़िया स्मेल आता है इसमें से। ये प्लांट उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, लेकिन साउथ की तरफ बहुत इसे लगाते हैं, और हमारा बंगाल उड़ीसा में भी अभी ये बहुत फेमस होने लगा है, और दोस्तों उतना लोग जानते नहीं हैं इसे, लेकिन धीरे धीरे बहुत ये लोगों के पास हो जाएगा, क्योंकि प्लांट बहुत ख़ास है और खुशबू भी बहुत तगड़ा है दोस्तों। नेक्स्ट प्लांट है हमारा प्लूमेरिया का रेड वेराइटी। देखिए प्लूमेरिया का रेड फल जैसा खुशबू देता है, और जो मैं व्हाइट दिखाया था वो आपका गार्डनिया जैसा स्मेल आता है, तो हर एक प्लूमेरिया में अलग अलग खुशबू आता है दोस्तों। और अभी मैं प्लूमेरिया का कलेक्शन कर रहा हूँ, अभी एजेटेक कोल्ड भी आ गया है मेरे पास, लेकिन उसमें फूल नहीं आया है, तो वो वीडियो भी मैं लाऊंगा आगे। नेक्स्ट है हमारा स्वर्ण चंपा। स्वर्ण चंपा बहुत पुराना प्लांट है, लेकिन अभी इसका हाइब्रिड निकलने लगा है दोस्तों, गमले में आप लगा सकते हैं देखिए, और गमले में खिला भी है मेरा बहुत सारा, इसे ग्राफ्टेड वेराइटी है, और देखिए बर्ड्स भी बहुत सारा है इसमें से, बहुत मीठी मीठी खुशबू आता है, भीनी भीनी खुशबू, और इसका देखिए अगरबत्ती भी निकलता है, आप तो इसका सेंट भी जानते होंगे, लेकिन ये प्लांट इजीली अवेलेबल नहीं होता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्लांट है, परमानेंट प्लांट है, इसे ज़रूर लगाना चाहिए, और इसका केयर भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उतना नहीं, और इसे अगर आप नर्सरी में देखते हैं तो ज़रूर बाय करके लाना चाहिए, इसका व्हाइट वेराइटी भी आता है, लेकिन येलो बाजी मार लेता है दोस्तों, येलो में ज़्यादा खुशबू रहता है व्हाइट के मुकाबले, और देखिए चारों तरफ बर्ड से भरा हुआ है, और ये दोस्तों आपका लेट समर से रेनी सीजन तक बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है, और नीचे लगाने पर बहुत अच्छा चलता है, पॉट में भी आप लगा सकते हैं, अभी ग्राफ्टेड वैरायटी सब निकलने लगा है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा दोस्तों मडागास्कर जस्मिन। ये भी बहुत बढ़िया प्लांट है, ये बाहर से आया है दोस्तों, मडागास्कर से, और ट्रॉपिकल प्लांट है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए इसको, लेकिन इसका खुशबू का बात मैं करूँगा, खुशबू इसमें बहुत भीनी भीनी खुशबू आता है दोस्तों, उतना तेज तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत स्वीट स्मेल है इसका, और ये मिलता भी नहीं है, और प्लांट बहुत कॉस्टली रहता है, तो ये अगर आपको मिलता है तो आप अपने कलेक्शन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं, मडागास्कर जस्मिन। हाँ दोस्तों, इसका फूल बहुत ही प्यारा दिखता है, मोम जैसा रहता है और हार्ड रहता है दोस्तों, और इसका फूल देखिए हर नोड से ऐसे पंचेस में आता है, और फूल भी दोस्तों लास्टिंग करता है आपका 5-6 दिन, बहुत बढ़िया चलता है। नेक्स्ट प्लांट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखिए वाटर जस्मिन। ये दोस्तों उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया खुशबू देता है, और देखिए बहुत हैवी प्लूमर है, और फ्लावर ऐसे नीचे झुका हुआ रहता है दोस्तों। प्लांट जितना आपका पुराना और बड़ा होगा उतना हैवी फ्लावरिंग आता है इसमें, और ये भी आसानी से मिलेगा नहीं आपको, ये सब साउथ की तरफ बहुत पॉपुलर हैं दोस्तों, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये सब मिलते नहीं हैं आसानी से।
इस प्लांट के केयर के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप चैनल पे जरूर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा दोस्तों। अभी मेरे पास 30 के ऊपर हो गया है दोस्तों खुशबूदार पौधे, और मैं और कलेक्ट करना चाहता हूँ। आप भी कलेक्ट कीजिए, अगर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है दोस्तों। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। और ये देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्नो फ्लेक, बस इसे व्हाइट पॉनसेटिया भी बोलते हैं, दिसंबर लेडी, बहुत सारा नाम से इसे बुलाते हैं दोस्तों। और दिसंबर में ये फ्लावरिंग करता है, और इसका भी पौधों के पास अगर आप जाएंगे तो बहुत स्वीट स्मेल आता है, भीनी भीनी खुशबू देता है दोस्तों। और ये देखिए, ये है ट्री जस्मिन, नीम चमेली, आकाश फूल, बहुत सारे नाम से इसे बुलाते हैं। और ये दोस्तों बहुत हाइट में खिलता है और प्लांट बहुत बड़ा होता है। ये पौधा मैं बाहर से दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास नहीं है। और देखिए कितना ऊपर फूल इसका आया है, बहुत हाइट में फूल आता है और नीचे गिरता है दोस्तों एक एक करके, बहुत प्यारा दिखता है। और ये देखिए, ये है रात रानी येलो, ये दोस्तों डीप येलो रहता है। और देखिए नया निकला है, प्लेन रात रानी तो आप देख चुके होंगे, लेकिन ये येलो थोड़ा रेयर है दोस्तों, अभी मार्केट में आया है। और इसमें उतना खुशबू नहीं है, लाइट खुशबू है, लेकिन पहला वाला जो रात रानी में दिखाया था उसमें दोस्तों बहुत तेज खुशबू है। तो ये भी ऐड कर सकते हैं आप अपने कलेक्शन में। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, देखिए रोजी लिलियम, इसे मल्टीपेटल लिलियम भी बोलते हैं, ओरिएंटल लिलियम है। और इसका खुशबू भी विंटर में बहुत बढ़िया आया था दोस्तों। ये वीडियो विंटर का है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा, क्योंकि ये भी बहुत खुशबू दिया था। और इसके पास से अगर आप जाएंगे तो डिओड्रेंट जैसा ही स्मेल आ रहा था दोस्तों, इसीलिए इसको मैं इंडोर ले लिया था और रखा था, क्योंकि रूम में खुशबू बना रहे और बहुत भीनी भीनी खुशबू दे रहा था। और नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, ये देखिए स्टार जस्मिन, स्टार जस्मिन अभी खिला नहीं है, लेकिन इसका फूल का देखिए फ़ोटो मैं दे रहा हूँ, ये मैं नया लाया हूँ, प्लांट बहुत ही छोटा है। और एक है देखिए इसके साइड में गार्डेनिया वियतनाम, इसका पता देखिए दोस्तों, ये सिंगल पेटल में आएगा गार्डेनिया, और ये भी वेस्ट बंगाल के तरफ अभी बहुत पॉपुलर हो गया है, लेकिन इंडिया के बाकी तरफ लोग नहीं जानते हैं इसे। तो ऐसे ही कलेक्शन करता रहता हूँ दोस्तों। ये और एक है देखिए बटरफ्लाई जिंजर लिली, इसका भी फूल का फ़ोटो मैं दे रहा हूँ, देखिए ये जिंजर फैमिली से होता है, और इसका भी खुशबू बहुत प्यारा रहता है, खासकर खिलता है ये आपका बारिश के महीने में। और अदरक के फैमिली से होता है दोस्तों, जिंजर फैमिली से, और ये भी दोस्तों परमानेंटली रहता है, नीचे आपका बल्ब रहता है। तो ये मैं कलेक्ट किया हूँ और इसमें भी फूल नहीं आया है, तो आगे देखते हैं, इसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट हमारा देखिए ब्रुगमेंसिया, इसे एंजल स्टॉम्पेड भी बोलते हैं, आपका पीच कलर में है, इसका बहुत सारा कलर आता है, लेकिन इसमें खुशबू रहता है दोस्तों, बहुत बढ़िया खुशबू रहता है, और ये भी खुशबूदार पौधों में माना जाता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा देखिए मालोती लता, इसे एचिटेस भी बोलते हैं, और इसका पता मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए, और ये भी रेयर प्लांट होता है दोस्तों, और वाइट कलर का बहुत खुशबूदार फूल आता है इसका, और ये ईस्ट इंडिया में कोलकाता में बहुत पॉपुलर है। नेक्स्ट है दोस्तों बहुत ही प्यारा हरी चंपा, ग्रीन कलर में इसका फ्लावर आता है दोस्तों, और कस्टर्ड एप्पल फैमिली से होता है। तो ये सब जानकारियाँ आपको कैसा लगा और कलेक्शन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।